समय बहुत कीमती है दोस्तों, इतना समय नहीं है मेरे पास में कि इतना ज्यादा सारा कुछ कर पाऊँ। पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप लोग के लिए मेहनत करूंगा। सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आप लोग को कैसे लगते हैं। नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस व्लॉग में। आई होप आप सब ने बहुत अच्छे से अपनी दिवाली मनाई होगी। मैं आप लोगों को मेरे नए iPhone 12 mini के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँ। सबसे पहला ये है iPhone 12 mini बहुत अच्छा फोन है। मैंने iPhone 11 Pro एक साल इस्तेमाल किया है, उससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ, मुझे थोड़ा स्मॉल फोन चाहिए था, उसके हिसाब से ये फोन बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, हाथ में बहुत अच्छे से इसकी ग्रिप आती है और इस्तेमाल करने में आसान है। अब बाकी सारी चीज़ें, कैमरा है, मल्टीटास्किंग है, A14 बायोनिक चिप है जो कि बहुत स्पीड है, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि ये अगर मैंने मिनी फोन लिया तो किसी भी प्रकार से मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। केवल एक चीज़ जहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम है। लगातार अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं, तो आपका लगभग 10 से 13% पर आवर बैटरी कंज्यूम कर लेता है। उसी तरीके से इसको काम करेंगे तो मान करके चलिए मैक्सिमम ये 8 घंटे तक आपका मोबाइल जो है सर्वाइव करेगा। नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे तो ये 8 से 10% पर आवर आपका बैटरी जो है ड्रेन करती है। ये तकरीबन बैटरी बैकअप आपको 12 घंटे के लिए देगी। अगर आप नॉर्मल स्टैंड बाई मोड पर रखते हैं तो ये तकरीबन 3 से 4% पर आवर के हिसाब से आपकी बैटरी को यूज करता है। यानी अगर आप केवल इसको लेकर के नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो 12 से 14 घंटे तक का आपको ये बैटरी बैकअप देगा। थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा देते हैं। iPhone 11 Pro से और iPhone 12 mini से बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे हैं। मैं 1 by 1 आपको पहले iPhone 11 का इमेज दिखाऊंगा और उसके बाद फिर iPhone 12 mini का इमेज दिखाऊंगा। देखिए, जज करिए और सारा डिसीजन आपका है, आप क्या लेना चाहते हैं।
दोस्तों इस वक्त बैठा हुआ मैं अपने जिम रूम में, इसलिए आ चुकी मुझे बहुत सारी एनर्जी, फोटोज वीडियोस सब आपको दिखाए। एक चीज आप लोगों से कहनी है कि आप तो सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आते हैं वीडियोस देखते हैं और फिर आप लोग चले जाते हैं मेरे चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने फैमिली फ्रेंड्स सारे ग्रुप से वीडियो को शेयर करिए। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा, व्लॉगिंग करूंगा, अपने लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताऊंगा, मेरा बिजनेस, फिल्मों से रिलेटेड चीजें, मेरा स्टूडियो, सिनेमा, सारी चीजें मैं आप लोगों को ब्लॉग करके दिखाऊंगा। अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे वीडियोस पर, इसी वीडियोस पर नीचे कमेंट किया करें। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ कमी है तो बताएं कि थोड़ा ऐसा करिए थोड़ा वैसा करिए, डेफिनेटली मैं उन चीजों को बदलूंगा। रेगुलर व्लॉगिंग मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से मैं अपनी व्लॉगिंग करता हूँ। अगर मैं नॉर्मल ट्राइपॉड यूज कर रहा हूँ तो यही जो मैंने हाथ पे भी रखा हुआ है, जो आपको ग्लास पे दिख रहा है, इसी ट्राइपॉड से नॉर्मली शूट कर लेता हूँ और वीडियोस बना लेता हूँ। मेरे पास में DJI Osmo का गिम्बल है जहाँ मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ और बहुत अच्छे शॉट्स उस पर निकलते हैं, तो मेरे वीडियोस पे वो मैं डालता हूँ। तो ये था आज का वीडियो, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कंपैरिजन आप लोगों को दिखाना था जो मैंने परचेस किया, और दिवाली के समय मुझे अच्छे मौके मिले, अच्छी तस्वीर अच्छे वीडियोस निकालने के मौके मिले, तो मैंने कुछ फुटेजेस iPhone 12 के भी दिवाली के निकाले हैं। फटाकों की नाइट का ये वीडियो है, फुटेज है, देखिए आप भी कंपेयर कर लीजिए। तो किसी भी प्रकार का आप डिसीजन ले रहे हैं उससे पहले बहुत सारे रिव्यूज होते हैं, लोग करते हैं, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई टेक एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई रेगुलर ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, तो बस ही आप लोगों को दिखाना चाह रहा। तो चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपने वीडियोज पर सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए नहीं कहते हैं, तो पता नहीं मेरी आदत नहीं है या मुझे ऐसा मांगना अच्छा नहीं लगता। पर कुछ लोगों ने कहा कि सर आप कहेंगे नहीं तो लोग करेंगे कैसे, तो आप सभी से अनुरोध है जो भी मेरे वीडियोस को आते हैं और देखते हैं आप ये श्योर करिए कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उसमें शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, और लाइक करिए। अगर पसंद नहीं आते हैं, लगता है कि कुछ चीज़ें सुधारनी चाहिए ताकि मैं अच्छी ब्लॉगिंग कर पाऊँ, ताकि मेरे व्यूवर्स भी बढ़ें और फ्यूचर में मैं रेगुलर इस ब्लॉग को आप लोग को अपनी लाइफस्टाइल के बारे में ब्लॉगिंग करके दिखा पाऊँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, मुझे और एफर्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी है कि मैं बनाते जा रहा हूँ और अगर आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है तो बता दीजिए कि यार ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, वीडियोज़ बनाना बंद कर दूंगा। इससे एटलीस्ट मेरी टाइम की सेविंग होगी, क्योंकि वीडियो शूट करना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है, और सोचने के बाद में फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और उसके बाद फिर वापस बैठ करके एडिटिंग भी करनी पड़ती है, सारा कुछ मैं खुद ही करता हूँ, तो समय बहुत कीमती है दोस्तों, उतना समय नहीं है मेरे पास में कि इतना ज़्यादा सारा कुछ कर पाऊँ। अगर आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है तो, अगर पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप लोग के लिए मेहनत करूँगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आप लोग को कैसे लगते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी मेरा टूर का वीडियो होगा, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स को जो दीपावली की छुट्टी में आए हुए हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किसी रिजॉर्ट वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे एक या दो दिन थोड़ा सा चिल करेंगे सारे फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए बने रहिए और मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय जोहार।
अब अभी भी ये खत्म होने का चांस है। हाँ गुड गुड हाँ बस 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 हाँ रुक जा हाँ धमाका करो धमाका।